हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कॉलर वाला ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कपड़ा लिया है, ऊनी कपड़ा है हमारा 1 मीटर। तो सबसे पहले हमें आगे वाले पल्ले की कटिंग करनी है, तो इसके लिए हम कपड़े को पहले फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। ब्लाउज की लंबाई हम 15 इंच लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे, तो 17 इंच पर निशान लगा लेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। अब हम जो वाइट कलर की पट्टी है इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर पहले निशान लगा लेते हैं और निशान लगाने के बाद हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे काज पट्टी के लिए। तो यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। फिर हम गले की चौड़ाई नापेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 के आधे हुए 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और गले की लंबाई हम 6 इंच लेंगे, तो 6 इंच पर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। फिर इस तरह से गुलाई कर देनी है। अब हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेंगे, तो 4 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर हम आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई हम 6 इंच लेंगे, तो 6 इंच पर इस तरह से लाइन खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे आर्मोल की गुलाई के लिए। तो इस तरह से हम गुलाई कर लेते हैं। फिर हम सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो 34 के चौथाई भाग हुए 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो देखिए 10 इंच पर हमारी कपड़े की चौड़ाई है। ऊपर की तरफ हमने 10 इंच पर निशान लगाया था और नीचे की तरफ हम आधा इंच कम करके निशान लगा लेंगे, तो 9.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। और फिर इस दोनों निशान को मिला देंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम प्लेट का निशान लगा लेते हैं। पहले हम एक पल्ले में निशान लगाएंगे, जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था वहाँ से छोड़ के ही निशान लगाएंगे। प्लेट की चौड़ाई हम 4 इंच लेंगे और लंबाई 5 इंच लेंगे, तो 5 इंच पर इस तरह से लाइन खींच देंगे। फिर हम दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई 6 इंच लेंगे और 2 इंच का गैप रखेंगे। फिर दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब हम तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 2 इंच का गैप रखेंगे और यहाँ पर इसकी लंबाई 5 इंच लेंगे। फिर हम दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। फिर हम चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 2 इंच का गैप रखेंगे और इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो हमने एक पल्ले में निशान लगा लिए हैं। अब हम दूसरे पल्ले में भी निशान लगा लेंगे। पहले हम यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगा लेते हैं। दूसरे पल्ले में भी हम प्लेट की चौड़ाई 4 इंच लेंगे और लंबाई 5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक प्लेट का निशान लगा लिया है और इसी अंदाज से हम चारों प्लेट के निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पल्ले में निशान लगा लिए हैं। तो अब हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को लेंगे। कपड़े को इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है वो हमें बाहर की तरफ रखना है और इस तरह से निशान लगाएंगे। आगे वाले आर्मोल की गुलाई हमने 1 इंच ली थी और पीछे वाले आर्मोल की गुलाई हमें 1.5 इंच लेनी है और फिर सेम ऐसे ही निशान लगा लेने हैं। और देखिए पीछे वाले पल्ले को हमें साइड से आधा इंच छोटा रखना है और नीचे से भी हम पीछे वाले पल्ले को आधा इंच छोटा रखेंगे।
तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम प्लेट का निशान लगा लेते हैं। प्लेट की चौड़ाई हम 4.5 इंच लेंगे और लंबाई 5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर कट भी लगा देंगे, जिससे हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लें। तो दूसरी तरफ भी हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले में भी प्लेट के निशान लगा लिए हैं। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए देखिए, मैंने कपड़ा लिया है और इस तरह से एक बार इसको फोल्ड कर लेना है। फिर हमें दोबारा से इस तरह से फोल्ड करना है, अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फिर हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे और जहाँ से हम निशान लगाएंगे वहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद हम इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई हम इसकी 18 इंच लेंगे और 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे। तो 19 इंच पर देखिए हमारी कपड़े की लंबाई है, क्योंकि हम नीचे से अलग से पट्टी लगाएंगे। फिर हम ऊपर की तरफ 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और वहीं से हम बाजू की गुलाई करेंगे। फिर हम बाजू की चौड़ाई 7 इंच लेंगे, तो 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर हम बाजू की मोरी 4 इंच लेंगे, तो 4 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। फिर हम यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर भी दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम एक निशान 4 इंच पर लगाएंगे। 4 इंच पर हम चाक खोलेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद हमने जो 4 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर भी कट लगा देंगे और एक बी सेंटर पर भी कट लगा देंगे। फिर हम बाजू को खोलेंगे और एक 1/2 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो इसके लिए हम कट भी लगा देंगे। तो इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। और ये देखिए, मैंने आगे वाले दोनों पल्ले की भी कटिंग कर ली है इस तरह से। और ये देखिए, हमारा पीछे वाला पल्ला भी हमने कटिंग कर लिया है। और ये मैंने काज वाली पट्टी कटिंग करी है और एक पट्टी हमने बटन वाली कटिंग करी है। देखिए, मेरा इतना कपड़ा भी बच गया है, इससे हम कॉलर और गले की पट्टी बना लेंगे। तो इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।